Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल ट्रैवल क्लिनिक इंडिया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रैवल क्लिनिक इंडिया में। आज है 19 नवंबर और आज मैंने घूमने से छुट्टी ली है क्योंकि आज है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप फाइनल। तो आज मैं देखने वाला हूँ मैच। सब लोग जा चुके हैं, मैं और रोहन सिर्फ रुके हुए हैं इस रिसॉर्ट में। आज मैच देखेंगे और इस रिसॉर्ट का मज़ा लेंगे। शाम नहीं देखी, यहाँ की सनसेट नहीं देखा कैसा होता है। अगर आज सनसेट होता है तो मुझे लगता है कि यहाँ से व्यू बहुत ही प्यारा होगा। तो अगर आज धूप रहती है, जैसा कि अभी तो है धूप और सनसेट होता है, तो मैं आपको वो दिखाऊंगा। और आज मैं पूरा दिन मज़े मारने वाला हूं अकेले रिसॉर्ट में, वर्ल्ड कप देखते हुए। इंडिया को जिताना है और मुझे लगता है इस बार इंडिया वर्ल्ड कप लाएगी। तो देखते हैं शाम को इंडिया वर्ल्ड कप लाती है, सेलिब्रेशन करते हैं यहीं रिसॉर्ट में। आज बॉनफायर का भी प्रोग्राम सेट किया है, भैया को बोल दिया है कि लकड़ी वगैरह ला देना। और ये लोग 500 रुपीज़ चार्ज करते हैं बॉनफायर का एंड 500 रुपीज़ बारबेक्यू का। तो बारबेक्यू इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैं अकेला हूँ यहाँ पर नॉनवेज खाने वाला, बाकी वेजिटेरियन है तो उनको इतना ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है बॉनफायर में, सॉरी बारबेक्यू में। तो बॉनफायर सिर्फ प्लान किया है। तो शाम को इंडिया के साथ वर्ल्ड कप के साथ सेलिब्रेशन करते हैं। कीप वॉचिंग गाइस, बने रहिए अपने चैनल ट्रैवल क्लिनिक इंडिया पर और इसी तरीके से वीडियोज़ को प्यार दीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और फैमिली एंड फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर करते रहिए। थैंक यू। जैसा कि आप सब लोग देख रहे होंगे कि हमारे बॉयज़ के चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा मायूसियत है क्योंकि उनको अपनी अपनी वाइफ को घुमाने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है और आज वो रिसॉर्ट के भी मज़े नहीं ले पा रहे हैं और मैच के भी मज़े नहीं ले पा रहे हैं। और ये मैच कोई मैच नहीं, वर्ल्ड कप का फाइनल है गाइस। तो देख सकते हैं क्या नाराज़गी है, क्या निराशा है इनके फेस पर। चलिए इनको करते हैं बाय बाय और हम चलते हैं सीधे क्रिकेट मैच देखने। जो इम्पैक्ट डाला है इस पूरे विश्व कप में रोहित शर्मा और जिस तरीके से शुरुआत देते हैं, दूसरी तरफ शुभमन गिल दाइनिन ने कैप्टन रख दिया है, जो तवा है उठा ले बन जाएगा, तवा पे बन जाएगा। हाँ बन जाएगा। चलो भैया, तो आज हमारे रिसोर्ट में कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं और रोहन है और हम लोग परेशान हो रहे हैं, बट मज़ा आ रहा है अपने आप को कुकिंग भी करने में मज़ा आता है। हॉस्टल की याद आ गई मुझे तो आज कुकिंग करते हुए। हेलो गाइस, आज हमारे चाचा ने मैच देखने के लिए ट्रिप को कैंसिल कर दिया घूमने के लिए। आज जो रुक के इन्हें सेफ को भेज दिया बाजार और खुद बना रहे हैं खाना। ये देखिए ऑनियन चॉप कर दिए, टमाटो चॉप कर दिए। अब बनेगा ब्रेड ऑमलेट। ये देखिए ऑमलेट का सबसे सामान बना दिया। ये देखिए इधर ब्रेड टोस्ट हो चुकी है। अब ये आप क्या डाल दो भैया, पहले अब इसको करेंगे शेक कर लो आप। हमारे चाचा इस बैटर को तवे पे डालेंगे, तो फेंट रहे हैं उसको। एग को हम जितना मतलब मैश करेंगे, जितना फेंटेंगे उतना पफी ऑमलेट बनता है। लाइट जा चुकी है। अब आज मुझे मेरे हॉस्टल वाले दिन याद आ गए, जब लेट नाइट कभी ऑमलेट बनाते थे कभी मैगी बनाते थे, तो वही फील हो रहा है आज। परफेक्ट। देखिए भैया राउंड बनाया बिल्कुल गोल गोल।
अब मैं फंस गया हूँ। सबसे टफ है इसको पलटना, टर्न करना। अब टर्न करूंगा तो ये टूट जाएगा। ओफो, इसको ले थोड़ा हाथ से, पास में ले। क्या करता हूँ मैं, दिखा। हाँ, हमारे चाचा परेशान हो चुके हैं। क्या करूं, एक और चल। ये टूटेगा, नीचे जल चुका है वो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, कर दिखाया। वी डिड इट, वी डिड इट। देखिए ऑमलेट कितना पफी बना है। 2 eggs का ये ऑमलेट है, बट आप देख सकते हैं कितना पफीनेस है इसके अंदर। वेरी थिक। ये मैंने वही बताया था आपको, अंडे को जितना हम फेंटेंगे उतना ज्यादा पफी बनता है। दोस्तों, आज घूमने का प्रोग्राम कैंसिल करके मैच देखने का प्रोग्राम सेट किया था, और अब बच गए हैं 4:30। 162, 4 wickets, 32 overs हो चुके हैं, और टीम इंडिया ने वही किया जो 2003 में किया था। और सच बताऊं तो मैं चाहता ही नहीं था कभी भी कि ऑस्ट्रेलिया के साथ फाइनल हो। मैं यही प्रे करता था कि ऑस्ट्रेलिया से फाइनल ना हो, क्योंकि पता नहीं क्या क्या हो जाता है हमारे प्लेयर्स को जब ऑस्ट्रेलिया से मैच खेलते हैं। कुछ बड़े मैच खेलते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं रहता है, कोई भी कैसे भी शॉट मारने लगता है। ऐसे ही 2003 में हुआ था, उस टाइम भी ऐसा लग रहा था कि वर्ल्ड कप हम ला रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जो हमारी हालत की थी, तो वही सेम हालत अभी है। तो कोई बात नहीं, मैच तो चलता रहेगा, ये तो एक स्पोर्ट है, हार जीत लगी रहती है। इस बार नहीं तो अगली बार ले आएंगे, और हो सका तो शायद आ भी जाए अगर बांके बिहारी जी की कृपा हो जाए थोड़ी सी इंडिया टीम के ऊपर। और अभी हमने क्या बनाया था, ऑमलेट है ना, ऑमलेट, और अभी हमने ब्रेड बटर बनाए थे, वो खा लिए हैं दोपहर में। अब शाम को क्या है, ये हमने हमारा जो कुक है यहाँ का, इसका खाना पसंद नहीं आ रहा किसी को। कल एग करी भी ख़राब बनाई थी, मेरा चिकन भी ख़राब बनाया था, और क्या बनाया था इसने, सुबह पूरी सब्जी भी ख़राब बनाई थी। मतलब टेस्ट नहीं है इनके हाथ में। तो आज मैंने सारी लेडीज़ गैंग को बोल दिया था कि आप लोग जाइए, आज मैं अपने सुपरविजन में फ़ूड बनवाऊंगा, प्रिपेयर कराऊंगा। तो नॉनवेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी मेरी है, मैं उसको पूरी तरीके से करवा रहा हूँ। बाकी वेज मुझे थोड़ा बहुत आता है, तो थोड़ा बहुत भाभी और ये आंचल वगैरह मुझे बता गई हैं, तो वो भी मैं बनवा रहा हूँ अपने सामने। तो अब चलते हैं किचन में, अब दिखाते हैं कैसे कैसे क्या प्रिपरेशन हो गई है, और कैसे कैसे अब मैं खाना बनाने वाला हूँ शाम के लिए। कल शाम भाई ने चिकन और एग करी बिगाड़ दी थी, आज हम अपने सामने खड़े होकर बनवा रहे हैं मटन। और पूरी रेसिपी आज होगी मेरी तरफ से श्याम भाई, और ये भाई हमारी सिर्फ मदद करेंगे आज। तो श्याम भाई ऑनियन चॉप करके रख गए, टोमेटो चॉप करके रख गए, और कुकर भी दे गए हैं मुझे। ओके, ये पेस्ट बोला था मैंने, अदरक लहसुन का ये भी दे गए हैं। अब करेंगे हम स्टार्ट, कढ़ाई को उतार देते हैं। ये हमारी गैस हो गई स्टार्ट, और ये हमने कुकर रख दिया, कुकर रख दिया, ये चमचा स्टार्ट हो गया। चलिए बंद कर दीजिए। ये देखिए, ये हमारे शेफ हैं, ये मैच देख रहे हैं। स्कोर क्या चल रहा है सर? सर स्कोर है 172। अच्छा, 172 स्कोर है। अच्छा अच्छा, और आप क्या कर रहे हो? खाना बना रहे हैं। ये बड़े सर, अभी हमने क्या तेल गरम कर लिया, अब इसके बाद खड़ा मसाला ऐसे डाला, ठीक है।
अब ये फटफट बोलेगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ये हो गया अपना छोटा मसाला, बिल्कुल बिल्कुल राइट। अब इसके बाद आप इसमें ऑनियन प्याज को पहले ढक के थोड़ा वो किया जाता है नॉर्मल ग्रेवी में जैसे वो मिक्स हो, फिर उसके बाद उसकी थोड़ी भुनाई करके फिर आगे बढ़ेगा। मतलब ये मिक्सी में जाएगा? नहीं नहीं नहीं, मिक्सी में नहीं जाएगा, अभी इसकी ग्रेवी बनेगी। मतलब ग्रेवी में तो प्याज दिखेगी नहीं हमको बिल्कुल भी, इतनी अच्छी भुनाई हो गई है। अब देखिए, अब हमने क्या कर लिया है, सारे मसाले को एक उसमें कर लिया है और पानी में इसको फुला के रख रहे हैं, इससे टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। पहले हमने प्याज को फ्राई किया, उसके बाद अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट, और ये अब ग्रेवी हमारी चल रही है। आज नॉनवेज सॉलिड मिलेगा आप सबको, शाम को रिव्यू मिलेंगे ब्लॉग में, देखना कि क्या कहते हैं जो घूमने गए हैं लोग। अब हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट भी अच्छे से भुन चुका है, अब हम इसमें मसाले डाल रहे हैं। देखिए अब ग्रेवी में कलर आएगा। तो वही आज टेस्ट बिगाड़ दिया है, लेकिन हमारे नॉनवेज का टेस्ट एकदम ओके रहेगा। राइट। तो गाइस देखिए, फाइनली सनसेट हमने हमारे रिसॉर्ट से देख लिया है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है देखिए। और जस्ट ये मोमेंट था जिसकी वजह से और आज मैंने अपने घूमने के प्लान को कैंसिल किया था। ये सनसेट और ये प्यारी सी लेक और ये पहाड़ों के ऊपर एक पेड़ की लाइन, ट्रीज की देख रहे होंगे आप, ये देखिए ये ट्रीज की लाइन, ये देखिए, ये देखिए है ब्यूटीफुल। तो गाइस इंडिया ने तो उदास कर दिया, बट कुदरत आपको कभी भी उदास नहीं कर सकती है। कुदरत से अगर आप प्यार करेंगे तो आपको मिलेगा ही, खोएंगे नहीं। तो फाइनली गाइस सनसेट हो चुका है, मैंने अभी आपको जस्ट दिखा दिया है, और ये हमारे बॉनफायर की आज तैयारी चल रही है। देखिए लकड़ी आ चुकी है, शाम के लिए बॉनफायर रेडी होने वाला है, और वेदर भी काफ़ी अच्छा हो गया है, बादल से भी हैं, ठंड बहुत है, और नॉनवेज भी तैयार हो रहा है। मैं लगा के आया हूँ भैया को कि आप उसको ज़रा देखते रहो, फिर थोड़ी देर बाद मैं उसको फाइनल रूप दूंगा नॉनवेज को, और शाम को बॉनफायर नॉनवेज, और हो सकता है कि शायद इंडिया जीत जाए तो उसका सेलिब्रेशन, और नहीं जीती तो कोई बात नहीं, नॉनवेज और ये वादियाँ और बॉनफायर तो होगा, और इतने सारे मेरे फ्रेंड्स सब लोग मज़े करेंगे। अब हम कॉटेज के अंदर आ चुके हैं, देखते हैं शेफ साहब क्या कर रहे हैं, मैच में ही बिजी हैं या कुछ मटन में भी ध्यान है। क्या कर रहे हो भैया? मैं खाली घुमा रहा हूं। घुमा रहे हो जी? खुशबू कैसी आ रही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मस्त एकदम। अब ऐसे ही बनाओगे जब भी कोई गेस्ट आएगा? यस। मेरे सीखने का मौका मिला सर। क्या क्या कह रहे हैं आप? सीखने का मौका मिला, देखने का मौका मिला कैसे मटन बनता है। एक्चुअली क्या है, मेरा काम ही सिखाने का है, मेरा स्कूल है तो मुझे सिखाना ही होता है। कल ड्राइवर अंकल फंस गए थे तो कार भी निकाली, और हमारे और हमारे कुक साहब आज फंस गए थे तो उनको भी एक रेसिपी दे दी है मैंने।
तो अब हमारा नॉनवेज प्रिपेयर हो चुका है और बॉन फायर भी लग चुका है और अब हो रहा है टीम का इंतज़ार। टीम आएगी और देखेगी इस बॉन फायर को कि क्या क्या हम लोगों ने आज पूरे दिन में प्रिपरेशन की, तो शायद बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। बाकी जब वो आएंगे तब उनके रिएक्शन कैसे होंगे वो मैं आपको अभी जस्ट बताने वाला हूँ, क्योंकि वो लोग सब रास्ते में हैं और बहुत ही जल्द यहाँ पहुँच जाएंगे। तो अभी सिर्फ मैं और रोहन हैं यहाँ पर। रोहन, कैसा लग रहा है अकेले? मज़ा आ रहा है। आज हम दोनों ने रिसॉर्ट के पूरे मजे लिए, अदरवाइज ये लोग हमको दोपहर में टांग लेते थे उसमें ट्रैवलर में और पूरा दिन बस इधर जाओ उधर जाओ इधर जाओ कुछ नहीं और रात में आके बस सो जाओ यहाँ पर। लेकिन आज हमने पूरा टाइम रिसॉर्ट में दिया, इतना मज़ा आया है कि मैं क्या बताऊँ। तो घूमना ज़रूरी है बट अगर हमारे पास लोकेशन ऐसी हो, आप बताइए इस लोकेशन में क्या कमी है, कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस लोकेशन से कहीं दूर जाना चाहिए, इस चीज़ को छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग तो इस प्लेस पे बैठना चाहिए, एक दिन देना चाहिए पूरा कि सुबह कैसी है, दोपहर कैसी है, शाम कैसी है, और उसके बाद भी अगर हम पर टाइम बचता है जब हम एक दिन दे लें इस तरीके की लोकेशन को, क्योंकि जब इतनी बड़ी लोकेशन, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी हमने पर्सनली ली है तो अगर हम उसका यूज़ ना करें तो क्या मतलब है फिर। तो आज मैंने और रोहन ने बहुत बढ़िया टाइम बिताया। दोपहर में थोड़ा इंडिया ने बैटिंग करके ख़राब कर दिया था, लेकिन फिर हमने नॉनवेज बनाया और बॉनफायर अब आ चुका है तो अब बहुत अच्छा लग रहा है। तो बने रहिए अपने ट्रैवल क्लिनिक इंडिया पर और इसी तरीके से वीडियोस को आगे देखते रहिए और आपको नई नई चीज़ें मैं दिखाता रहूँगा। वैसे तो कोई बहुत बड़ा व्लॉगर नहीं हूँ, नॉर्मली बस मेरा ये है कि मैं अपनी मेमोरीज़ को कलेक्ट करता रहूँ जिससे इन फ्यूचर जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा या बहुत ज़्यादा एजेड हो जाऊँगा तो मैं अपने मेमोरीज़ को अपने साथ रखना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ लाइफ, अपने साथ अपने आने वाली जनरेशन्स को दिखाना चाहता हूँ कि मैंने क्या क्या किया है क्या क्या नहीं किया है। क्योंकि अभी तक हमारे मम्मी पापा दादा दादी सब बताते हैं कि हम ऐसा करते थे वैसा करते थे, बट उसको हम सिर्फ इमेजिनेशन कर सकते हैं बट देख नहीं सकते। तो मैंने जब ये YouTube का ये चैनल और ये सब देखा था तो कोई ऐसा नहीं था कि मैं मुझे व्लॉगर बनना है या पैसे कमाने, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे बस मेरी मेमोरीज़ कलेक्ट करनी थी जिससे जब मैं किसी को कुछ बताऊँ कि हम वहाँ गए थे तो मैं सीधे व्लॉग स्टार्ट कर दूँ और वो लोग देख लें कि हम वहाँ गए थे तब वहाँ कैसा था। तो अगर आप लोग भी इस तरीके की मेमोरीज़ अगर चाहते हैं अपनी लाइफ में आगे 10 साल बाद जब आप देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि मैं अपने 2 साल पहले के जब व्लॉग देखता हूँ कि मैं अपने दोस्त के साथ कहीं गया था और किसी फैमिली के साथ कहीं गया था तो बहुत अच्छा लगता है सीरियसली। और ऐसा कुछ नहीं है कि व्लॉगिंग में कुछ भी है, व्लॉगिंग में कुछ नहीं है, सिर्फ जस्ट एक कैमरा पकड़ना है आपको अपने हाथ में, उसके बाद जो आपके मन में है बस आपको बस वही बोल देना है, वही व्लॉगिंग है। जैसे आप बातें करते हैं, कहानी सुनाते हैं, अपनी बातें बताते हैं अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, बस वही सब इसमें करना होता है। बट एक इमेजिनेशन करना होता है कि हमारे दोस्त कौन है। तो मेरे दोस्त मेरे आप हैं, व्यूअर्स हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, मैं किसको बताता हूँ, बट यही बस लोगों को समझ में नहीं आता कि ऐसे कैसे बोल सकते हैं कंटिन्यूसली। तो अपने कैमरे को अपना दोस्त मानिए, मतलब जितने भी आपके फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जो आपको देखते हैं, पसंद करते हैं, उनको दोस्त बनाकर अपनी व्लॉगिंग कीजिए और अपनी मेमोरीज इकट्ठी कीजिए। जब आप ये मेमोरीज को 1-2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद जब देखेंगे तो सीरियसली आपको बहुत अच्छा लगेगा। वेलकम टू ट्रैवल क्लिनिक इंडिया। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएं।